अजीज तुलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत और ब्राजील की आबादी का तकाबुली मुतायला देख चुके हैं। आइए हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम भारत और ब्राजील में मौजूद आबादी की तकसीम का तकाबुली मुतायला करेंगे। नंबर एक, भारत में आबादी की तकसीम। भारत में आबादी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक, मरकूज गुंजार आबादी के इलाके। नंबर दो, मुंतशिर बिखरे हुए इलाके। नंबर एक, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। कुदरती साथ से मुराद अल्लाह ताला की तरफ से जमीन की बनावट मुख्तलिफ है। कहीं पर पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पर मैदानी इलाके हैं, कहीं पर सहराई इलाके हैं, कहीं पर जंगलाती इलाके हैं। इसे कुदरती साफ कहा जाता है। आब हवा में भी इख्तलाफ पाया जाता है। मसलन कहीं पर गर्म हवा होती है, कहीं पर मरतूब, कहीं पर सर्द। और गुजर बसर की सहूलियात, इंसान गुजर बसर की सहूलियात में वहां रहना पसंद करता है जहां उसे तमाम चीजें बआसानी से मयसर हो जाए। मसलन जरखेज जमीन, मैदानी इलाके, पानी की फराहमी वाले इलाके में कई सदियों से इंसानी बस्तियां कायम है और इनको फरोग भी हासिल हुआ है। नंबर दो, गुंजान आबादी की तकसीम। ज़राअत सनत की वजह से बाज इलाकों में आबादी की मरकूजियत और आबादी की गुंजान तकसीम, मसलन शुमाली मैदानी इलाके, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पूना, बेंगलोर, यहाँ पर लोगों को रोजगार, तालीम, सेहत ये मिलने की वजह से यहाँ की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नंबर तीन, आबादी की कमी की तकसीम। पहाड़ी और पहाड़ियों वाले इलाकों में, खुश्क सहराई वाले इलाकों में, नेस घने जंगलात में इंसानी बस्तियां कम है। मसलन धार के रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, क्योंकि इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात की चीजें मैसर नहीं होती है, इसलिए इंसान इन इलाकों में बहुत कम रहते हैं।